तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद में पारित हो गया है। अब आंदोलनकारी किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन पर फैसले को लेकर 1 दिसंबर यानी कि कल बैठक बुलाई है। बीकेयू की ये बैठक जो है इसके अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियान ने बताया है कि दिसंबर को एसकेएम की बैठक होगी। आंदोलन में एमएसपी कमेटी पर अगला निर्णय अगली बैठक में ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को होने वाली बैठक उसी के अनुसार होगी। ये एक आपातकालीन विशेष बैठक 1 दिसंबर को है जो सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से आयोजित की जाएगी। इससे पहले पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि संसद में कृषि कानून निरस्त करने वाला विधेयक पारित होना हमारी जीत है। भविष्य के कदमों पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 1 दिसंबर को होगी। ऐसे में किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, एमएसपी के लिए कानून गारंटी दी जानी चाहिए। मांगों का जवाब देने के लिए केंद्र को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जो कल होगी और संसद से तीनों कृषि कानून निरस्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान कब हटेंगे ये बड़ा सवाल और सस्पेंस लगातार बना हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से कल संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो गया कि तीनों कृषि कानून जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का आगे क्या रुख रहने वाला है, इसलिए कल ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल संसद कूच करना था, लेकिन उसको जो लेकर है 4 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। वहीं अब जो है कल एक अहम बैठक होनी है, उसमें राकेश टिकैत के साथ साथ और भी संयुक्त किसान के वो नेता मौजूद होंगे जिनके रणनीतियों पर ये आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते जो आंदोलन है उसमें अब कल का जो निर्णय लिया गया है उसमें ये तय होगा कि अब आगे का जो किसानों का जो मुआवजे के लिए बात चल रही है, जो किसान शहीद हुए हैं उनके हिसाब से उनके मुआवजा और इसके अलावा जो उन पर मुकदमे हुए हैं और एमएसपी, इन तीनों को लेकर एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और उसके बाद कल जो बैठक होती है उसके बाद जो नया फैसला आएगा वो देखने वाला होगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए लगातार आप इस किसान आंदोलन को कवर भी कर रहे हैं, हालांकि कल भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे जब लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी, बिल पेश किया गया था निरस्त करने के लिए। तो देखिए किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों का क्या कुछ कहना है जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मौजूद है कि कब तक वो हटेंगे? जी देखिए, उनसे कल मैं लगभग पिछले एक साल से किसान आंदोलन कवर कर रहा हूँ और जब मैंने कल किसानों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एमएसपी पर हमें गारंटी चाहिए, कानून चाहिए, इसके अलावा जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजे के तहत और उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, ये उनकी दो मुख्य मांगे। और वहीं अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो उनका भी बयान कल से काफी सुर्खियों में रहा है, जब से उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी दूर नहीं है, हमारी जो है मांगे मान ली जानी चाहिए। जी बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरह से राकेश टिकैत ने ये बयान दिया कि 26 जनवरी दूर नहीं है, यानी कि साफ तौर पर एक बार फिर से वो सरकार को चुनौती और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले साल यानी कि इस साल 26 जनवरी को हुआ वो अगले साल 2022 में भी 26 जनवरी को शायद दोहराया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने कहा कि 26 जनवरी दूर नहीं है तो कहीं ना कहीं सीधा उनका निशाना लाल किले को लेकर था कि जिस तरह से पिछली बार 26 जनवरी पर उपद्रव हुआ था उस चीज को सरकार को याद दिलाना चाहते थे कि किस तरह से उपद्रव हुआ है और उसमें जो एक कुछ लोग भी घायल हुए थे और कुछ किसान भी उसमें मारे गए थे, तो इन तमाम चीजों को किसान को याद दिलाकर अल्टीमेटम देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी जो एमएसपी की जो मांग है उसको सुना जाए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एमएसपी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो वहाँ के किसानों को इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और इसके तो अब राजनीतिकरण भी देखे जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जो कल जो मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी पूरी तरह से मिलती है उनका कहना है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किसानों में फूट तक डल सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए पंजाब के किसानों की आप बात कर रहे हैं तो पंजाब के किसानों ने ये कह भी दिया है कि अब कानून निरस्त हो गया, कानून रद्द हो चुका है, तो अब हमारी ये जीत हो चुकी है, हम अपने घर वापस जल्द लौट जाएंगे। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अब किसान आंदोलन जो है शायद बहुत जल्द खत्म हो सकता है।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर सिंधु बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, तो वहाँ जो पंजाब से जो किसान आए थे उनके जो जत्थे हैं वो धीरे धीरे वहाँ कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत की अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान उनके कहने पर आए हैं, और खासकर जो किसान आपका उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए हैं, उन किसानों को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। क्योंकि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान वही रहेंगे और सिंधु बॉर्डर के किसान धीरे धीरे अपने घर को लौट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी किसानों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए और MSP पर कानून बनवाने की जो उनकी मांग है उनको लेकर कड़ी चुनौती रहेगी। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि संसद से तो तीनों कृषि कानून निरस्त हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान कुछ मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। और 1 दिसंबर यानी कि कल किसानों ने बैठक बुलाई है, क्या कुछ उस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी ये देखने वाली बात है।